पेज नंबर 13, यूनिट 3, लेसन 2, वर्ड्स, कंट्रीज़, नेशनैलिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। लेसन 2 में हम डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, उनकी नेशनैलिटीज़ और लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनैलिटीज़ मीन्स कौमियतें, लैंग्वेजेस ज़ुबानें। एक्सरसाइज 1, लिसन टू योर टीचर एंड पॉइंट टू द कंट्रीज़ ऑन द मैप, देन लिसन एंड रिपीट। यहाँ पर मैप है हमारे पास, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम्स लिखे हुए हैं। मैं जिस कंट्री का नेम बोलूँगी आप लोगों ने उसको पॉइंट करना है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रिटेन, ईरान। डू यू फाइंड ब्रिटेन? नो, यू कांट फाइंड ब्रिटेन। ब्रिटेन इज़ अनदर नेम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को इजी फॉर्म में ब्रिटेन बोलते हैं। नाउ रिपीट विथ मी। यूनाइटेड किंगडम, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश। एक्सरसाइज 2, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट दीज नेशनैलिटीज़। इन नेशनैलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछें और उनको आंसर करें। नेशनैलिटीज़ का क्या मतलब होता है? एक पर्सन का अपने कंट्री से जो रिलेशनशिप होता है उसको नेशनैलिटी कहते हैं। लाइक जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। बांग्लादेश में रहने वाले लोगों की नेशनैलिटी बांग्लादेशी होती है। हमने इन नेशनैलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन बनाने हैं, फिर उनको आंसर करना है। लाइक दिस, दिस इज़ एन ओरल एक्सरसाइज। ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए, आप लोग सिर्फ मुझे सुनेंगे। वेयर डू पाकिस्तानी पीपल लिव? इन पाकिस्तान एंड इन ब्रिटेन। वेयर डू बांग्लादेशी पीपल लिव? इन बांग्लादेश एंड इन ब्रिटेन। वेयर डू अफगानी पीपल लिव? इन अफगानिस्तान एंड इन पाकिस्तान। वेयर डू चाइनीज़ पीपल लिव? इन चाइना, इन ब्रिटेन, इन USA, मलेशिया, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। चाइनीज़ पीपल बहुत सारे कंट्रीज़ में रहते हैं। वेयर डू नेपालीज़ पीपल लिव? इन नेपाल एंड इन इंडिया। वेयर डू ईरानियन पीपल लिव? इन ईरान एंड इन ब्रिटेन। वेयर डू ब्रिटिश पीपल लिव? इन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड मैनी अदर कंट्रीज़। ब्रिटिश पीपल भी बहुत सारे कंट्रीज़ में रहते हैं। एक्सरसाइज 3, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट दीज लैंग्वेजेस। यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, उर्दू, चाइनीज़, नेपाली, सिंधी, इंग्लिश, पश्तो। अब हमने इन लैंग्वेजेस के बारे में क्वेश्चन पूछने और उनको आंसर करना है। लाइक दिस, वेयर डू दे स्पीक उर्दू? ये वाली लैंग्वेज जो है इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछेंगे? वेयर डू दे स्पीक उर्दू? इन पाकिस्तान एंड इन ब्रिटेन। पाकिस्तान में और ब्रिटेन में उर्दू बोली जाती है। वेयर डू दे स्पीक चाइनीज़? इन चाइना एंड इन ब्रिटेन। वेयर डू दे स्पीक नेपाली? इन नेपाल एंड इन इंडिया। वेयर डू दे स्पीक सिंधी? इन पाकिस्तान। सिंधी सिर्फ पाकिस्तान में बोली जाती है। वेयर डू दे स्पीक इंग्लिश? इन USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड इन ब्रिटेन। इंग्लिश बहुत सारे कंट्रीज़ में बोली जाती है। वेयर डू दे स्पीक पश्तो? इन पाकिस्तान एंड इन अफ़गानिस्तान। ये भी ओरल एक्सरसाइज थी हमारी, ये भी हमारे सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए थी। एक्सरसाइज 4, स्पेलिंग। कॉपी द एडजेक्टिव्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2 ऑन टू द करेक्ट लाइंस। यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव थे हमारे पास एक्सरसाइज 2 में, जो नेशनैलिटीज़ थी, ये एडजेक्टिव्स थे, इनको हमने करेक्ट लाइंस में कॉपी करना है। लाइक दिस, जो एडजेक्टिव IEN पे एंड हो रहा है उसको हमने इसके सामने लिखा। जो एडजेक्टिव ESC पे एंड हो रहे हैं इनको हमने इस लाइन में लिखना है। चाइनीज़, नेपालीज़। ISH पे जो एंड हो रहा है उसको हम इसके सामने लिखेंगे। BRITISH, ब्रिटिश। आई पे जो एडजेक्टिव्स एंड हो रहे हैं उनको हमने इस लाइन में कॉपी करना है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी।